हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु मा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेज फॉर एरीज, Four of Swords, King of Cups, Strength, Knight of Pentacles, and the Lovers. तो हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ जो भी इस वक्त हो रहा है वो आपके लिए संभालना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि किसी चीज से आप लगातार लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। आपको पता नहीं है कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से ये पर्सन रिएक्ट करेगा। यहाँ किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो वैसे तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इमोशनली डीप है और इन्हें आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड है, बट देन किंग ऑफ कप्स के साथ एक और सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में, वो ये कि ये पर्सन हो सकता है किसी से कमिटेड हो। कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है इनका कोई रिलेशनशिप हो जिसके बारे में इन्होंने आपसे छुपाया हो, या हो सकता है कि ये हो इनके अपने फैमिली के बारे में, अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो हो सकता है ये पर्सन अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलता है, काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है, एंड ये चीज़ इस पर्सन को रोकती है। ओके, ये चीज़ इस पर्सन को बार बार कमिटमेंट करने से रोक देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों के फीलिंग्स का ख्याल होना चाहिए, और दूसरी बात कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखेंगे अगर वो अपनी फ्रीडम को मानते हैं, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं, तो क्या उनकी इमेज बनेगी दूसरों की नज़र में। ये बात इस पर्सन को बहुत परेशान करती है। ओके, हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा है, और आप भी ऐसा अकेलापन महसूस कर सकते हैं इस वीक में। आपको लगेगा जैसे कि पता नहीं लाइफ में हो क्या रहा है, आप जा किस तरफ रहे हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा और आप अकेले हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है, बट यहाँ पे फिर कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो डेफिनेटली आप जिस भी चीज़ से डील कर रहे हैं आप उससे डील करने के लायक हैं, आप स्ट्रांग हैं, और भले ही आपको हालात कितने भी मुश्किल लग रहे हों, ये बस टेम्प्रोरी फीलिंग है जो जल्दी ओवर हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ चारों आपसे कह रहा है कि अब उन चीज़ों से लड़ना ज़रूरी हो गया है जो आपको परेशान कर रही थी। अगर आप इस क्रोकोडाइल को देखें तो ये यहाँ पे नेगेटिविटी का सिंबल है, और इससे आपको डील करना है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये नेगेटिविटी आपको फिर से ना ग्रिप में ले, फिर से ना पकड़ ले, और अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जिससे डील कर रहे हैं ये पर्सन आपको गुड बाय तो नहीं कहने वाला, अगर कह भी दिया है तो भी ये पर्सन वापस आना चाहेगा। ये पर्सन चाहेगा कि जो भी हो रहा है वो इजीली हो जाए, मतलब ये पर्सन चाहेगा कि इन्हें कुछ भी लूज ना करना पड़े, ना आपको लूज करना पड़े, ना उन लोगों को जिनकी बातें ये सुन रहे हैं। ये सबको खुश रख सकते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप तो इस रिलेशनशिप में रहेंगे अगर वो आपको एक बार फिर से कमिटमेंट का वादा देते हैं, तो एक बार फिर से ये पेंटिकल देते हैं तो, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को बड़ा भरोसा है आपके और उनके कनेक्शन पे। उन्हें पता है कि ये कनेक्शन बहुत डीप है और आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप उन्हें भूल नहीं सकते जिस तरीके से वो आपको भूल नहीं सकते, और आप दोनों और क्लोज आते जाएंगे। तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि वो इस तरीके से आपके लाइफ में आते जाते रह सकते हैं,
उनके लिए दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे, उन्हें हमेशा ही वेलकम किया जाएगा, वो चाहे जितना वक्त ले ले कमिटमेंट में, कमिटमेंट देने में, और चाहे जिस भी सिचुएशन में आपको रखे, चाहे जैसा भी आपको फील करवाए, एक ऑप्शन की तरह या फिर एक लवर की तरह, इस पर्सन को लगता है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे उनके कुछ रीज़न देने पे या कुछ एक्सप्लेनेशन देने पे। उन्हें लगता है कि वो आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। एंड ये जो लवर्स का कार्ड है, ये जो प्यार है आपका उनके लिए, ये आपको वल्नरेबल बना देगा इमोशनली, और ठीक उनकी ही तरह आपका भी इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, एंड आप दोनों क्लोज आ जाएंगे, यही ये पर्सन सोच रहा है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है जो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो हमारे पास है द चैरियट। चैरियट के साथ ये सफ़र काफ़ी लंबा है। लगता है जैसे कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ जल्दी से जल्दी हो जाए, मगर यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। ओके आप इस वीक में समझ नहीं पाएंगे आप कैसे रिएक्ट करें। एक तरफ तो ये पर्सन बहुत स्वीट स्वीट बातें करेगा आपसे, आपको कमिटमेंट ऑफर करेगा, आपसे कहेगा कि वो कोशिश करेंगे, सिचुएशन को ठीक कर देंगे और एक दिन आपको कमिटमेंट दे ही देंगे, और दूसरी तरफ आपका दिमाग आपसे कहेगा ये पहली बार तो नहीं हो रहा, ये पर्सन आपको पहली बार तो कमिटमेंट दे नहीं रहा, और इसके आगे कुछ भी हो सकता है, आपको इनसे बच के रहना चाहिए। इस तरह की बात आपके दिमाग में आएगी। दूसरी तरफ दिल आपसे कहेगा कि शायद एक बार आपको उनकी बात सुन ही लेनी चाहिए, क्या पता कुछ बदल जाए। बट द सन के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि फिलहाल आप दोनों के बीच जो भी हो रहा है वो कोई डिसीजन लेने के लिए परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है उन चीज़ों को देख के आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर टू ऑफ पेंटिकल्स के मोड में आप चले जाते हैं इस वीक में, मतलब वाकई कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ होती है, तो बेहतर होगा कि आप इन बातों को फिलहाल प्रायोरिटी ना दें, इन पे कुछ डिसाइड ना करें। द सन के साथ डेफिनेटली आप दोनों को ऐसा लग सकता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, परफेक्ट है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। बट देन चीज़ें वर्क करना मुश्किल होगा क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो सकता है। हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा है वो यू नो फिजिकल वर्ल्ड में शो अप होगा। आप अगर चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपसे बातें करें, आपको कमिटमेंट दें, तो वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। बट देन हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि सोचिए ज़रा इस बारे में। सॉरी, ये द हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस आपसे कह रही है कि सोचिए ज़रा गौर से, क्या ये जो रिलेशनशिप है वो वाकई आप चाहते हैं, मतलब इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको दोबारा मिल सकता है। द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है और ये पर्सन फिर से वही कर रहा है जो उन्होंने किया है पहले भी, तो आपके लिए अलर्ट होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है एरीज। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल जो चैलेंजेस हैं उनसे आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है, और जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए, इस पे नहीं कि क्या आपको ऑफर किया जा रहा है या क्या आपको मिल रहा है। ओके इस बात पे गौर कीजिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, एंड तभी आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।